यहाँ पे मौजूद थी मस्जिद में, हम लोगों को पुलिस ने घेर लिया और हमारे साथ लाठीचार्ज की गई और फिर हमें यहाँ से छुपाया गया। बड़ी मुश्किलदार से उसके गुंडे उस बिल्डिंग में भी घुस आए और हमें मारने की कोशिश की गई। हमारे बच्चों ने अपनी जान देकर हम लोगों को 20 औरतों को बचाया। बड़ी मुश्किल से हम रात के 10 बजे हमारे बच्चों ने हमें अपनी जान पर घेर कर बचाया। एक मिनट, ये कुरान है, कुरान की देखें आप, और भी देखो, और दिखाऊं मैं आपको, ये देखो, ये कुरान है हमारे, ये देखो, खोल के दिखा दो, पीछे कर ले सर, ये खोल भी बना रहे हैं जल्दी, ये देखें आप, ऐसे दिखाएं आप दुनिया को, यह है हालत हमारी, ये है मुसलमान यहाँ पर जिंदा इस तरीके से है हम, ऐसे में से देखें आप, दिखाएं दुनिया को, लेकिन सर दिखाना जरूरी है आपको, ये दिखाइएगा आप, अल्लाह घर में खड़े हैं, ऐसे ये दिखाएं आप, हकीकत दिखा दो दुनिया को, एक लफ्ज गलत ना दिखाओ, ये हालत है सर। ये यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था हमारा NRC और CA के खिलाफ, जिस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा था तो पुलिस वाले आए और उनके पीछे RSS वाले गुंडे आए, उन्होंने लेडीज़ों पे, मौलानाओं पे, हाफिजियों पे, सब पे वार किया, कई लोगों को मारा भी। यहाँ ये पूरा जितना भी है NRC और CA के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, उन पर लेडीज़ों को मारा गया, मस्जिदों में आग लगाई गई और यहाँ तक के मौलाना और बच्चे तक को नहीं छोड़ा गया। ये प्रोटेस्ट लगभग 45 दिनों से चल रहा था। और आप कब हट गए इस पर? हम 25 तारीख को हम पे वार करा गया, मारा गया, उस टाइम इसे पूरा टेंट जला दिया गया था, उसके बाद हमें मजबूरी में पीछे हटना पड़ा। कर्फ्यू लगा क्या? हाँ, कर्फ्यू लगवा। तुम्हें किसने मारा था? पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने मारा है? कहाँ पर? वही ब्रिजपुर की मस्जिद है, ब्रिजपुरी की पुलिया की मस्जिद, वहाँ पर पुलिस वालों ने आपको मारा है। किस टाइम मारा है? मगरिब की नमाज़ पढ़ के फौरन। मगरिब की नमाज़ के बाद आपको फौरन मारा है? तो कोई कुछ था, आपने हमला किया था उन पर? नहीं नहीं। आप क्या कर रहे थे मस्जिद में? मैं नमाज़ पढ़ के कमरे में गया हूँ। नमाज़ पढ़ के आप अपने कमरे में गए? एकदम से वो आ गए। एकदम से आ गए। सर यहाँ परसों हमारे पास कोली आई थी कि किसी ने बताया कि आपकी दुकान जला दी गई, लेकिन यहाँ का इतना माहौल गंदा था कि हम बाहर नहीं निकल पाए। हम अपने घरों से आ जाएँ जब हमें पता लग चुका है यहाँ पर कि सुरक्षा बल तैनात हो चुके हैं यहाँ पर। सुरक्षा बल तैनात होने के बावजूद जब हम घरों से निकले हैं तो हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करा गया, रोड की फोर्स खड़ी है, फोर्स ने हमें सपोर्ट किया कि आप आगे जाके देख सकते हैं, वरना हमें आगे तक कोई अनुमति ही नहीं थी, गली से बाहर निकलने की कोई अनुमति ही नहीं थी। जब हम आए हैं तो हमने देखा कि हमारी दुकान के बुरा हाल हो सकता है, देख सकते हैं आप, ये गाड़ियाँ हमारी खड़ी हुई हैं, सब राख कर दी गई है, दोबारा गाड़ी खड़ी है, किसी का 5,000 का, 8,000, 10,000 का बिल है, उनमें कुछ स्कूटी भी हैं, कुछ बाइकें हैं, कुछ महंगी गाड़ियाँ हैं, पल्सर वगैरह, पल्सर ऐसे भी, Z है, डिस्कवर है। तो हमने अपने छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं तो हम लोग उनको लेके क्या नाम है इसका सेफ जगह पे जाने की चले गए, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखा कि इस साइड के इधर ATM है, ATM की साइड से लोग जीने ऊपर छतों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, हम डर के मारे हम लोग तो चले गए। उसके बाद हमें पता नहीं, अब हम लोग आके देखा तो हमने कि यहाँ पर हमारा पूरा घर जला पड़ा हुआ है और सारा लेंटर वेंटर सब क्या नाम है इसका डैमेज हो चुका है। पुलिस को हमने पुलिस को हम पुलिस को फ़ोन भी किया तो क्या नाम इसका किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला ना, तो पहले बात तो इनका फ़ोन ही क्या नाम इसका अंग्रेज में चलता रहा कि जिससे कि आदमी को है दो बारी कहा भी तो क्या नाम इसका अभी हम क्या नाम इसका बिजी हैं, जब वो टाइम लगेगा हम लोग खुद आके क्या नाम इसका कवरेज करेंगे तुम्हारे यहाँ की आकर। स्कूल में करीब 98 से हूँ यहाँ पर, और ये ऐसा मंजर पहली बार देखा है मैंने, जो हमारा मेन ऑफिस है सारा डिस्ट्रॉय हो चुका है और क्लासरूम भी जितने थे उसमें भी आग लग चुकी है, सारी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और साथ साथ कंप्यूटर लैब्स और हमारा ऑफिस जितना भी है, जितने रिकॉर्ड्स थे सबको आग के हवाले कर दिया गया है। आप हमारे स्कूल की बस, गाड़ी वगैरह सब देख रहे हैं, वो सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। Thank you.